हेलो एवरीवन, मैं अनिल आपका दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोर्टली में। तो मैं आपके लेके आया हूँ आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि आप सभी को आखिरी तक इस वीडियो को देखना चाहिए। यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो कि खासकर क्लास 10th और 12th में पढ़ते हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब इस सत्र से CG बोर्ड जो है पूरक परीक्षा नहीं लेगा, पूरक परीक्षा के बदले द्वितीय अवसर परीक्षा लेगा। CG बोर्ड इस सत्र में पूरक परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा। इस सत्र से CG बोर्ड द्वितीय अवसर परीक्षा लेगा या सेकेंड चांस एग्ज़ाम लेगा। सेकेंड चांस एग्ज़ाम क्या होगा, कैसे होगा, उसको पूरा जानने के लिए डिटेल में आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको जानकारी अधूरी मिलेगी। 31 मई 2024 को राजपत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित किया गया कि अब से छत्तीसगढ़ बोर्ड जो है एक सत्र में दो बार परीक्षा आयोजित करेगा। प्रथम परीक्षा को मुख्य प्रथम परीक्षा कहा जाएगा और सेकेंड टाइम जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसको द्वितीय मुख्य परीक्षा या सेकेंड चांस एग्ज़ाम कहा जाएगा, जिसके लिए दावा आपत्ति मांगी गई थी आज तारीख 9 जून 2024 तक के। आज लास्ट डेट है दावा आपत्ति का, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स और पालक जो हैं काफ़ी खुश हैं इस फैसले से छत्तीसगढ़ शासन के, क्योंकि यह फैसला उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी या हेल्पफुल होगा जो बच्चे पूरक आ जाते थे और जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते थे सारे विषय में। चलिए देखते हैं वीडियो को डिटेल में और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो से विद्यार्थियों क्या फ़ायदा होने वाला है। राजपत्र को CG बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। CG बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है cgbsc.gov.in या cgbsc.nic.in। इन दोनों वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं और इस राजपत्र को आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ख़ास तौर पर यह व्यवस्था जो शासन ने किया है वह पूरक परीक्षार्थियों के लिए वरदान साबित होगा। फ्यूचर में यह पूरक परीक्षार्थियों के लिए या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। क्यों, आइए जानते हैं। इस व्यवस्था को नई शिक्षा नीति के तहत हमें द्वितीय अवसर के रूप में विद्यार्थियों को प्रदान करना था, ताकि वे परीक्षा में दोबारा सम्मिलित हो सकें। कई विद्यार्थी क्या होते हैं, प्रथम बार मुख्य परीक्षा दिलाते हैं और उसमें बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, पूरक आ जाते हैं, फिर बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो शासन की ये मंशा है कि बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें, बच्चे क्या है स्कूल से जुड़े रहें, बच्चे क्या है शिक्षा से जुड़े रहें, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, बच्चे अपना भविष्य अच्छा बना सके। इसीलिए उन्हें दो बार मौका दिया जा रहा है। इस निर्देश के बाद अब अलग अलग विषयों में पूरक आए विद्यार्थियों के अलावा ऐसे विद्यार्थी जो वार्षिक परीक्षा में भी फेल हो गए हैं या ऐसे विद्यार्थी जो अपने नंबर से अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उनका नंबर लगता है उनको कम आया है, वे भी परीक्षार्थी क्या कर सकते हैं सेकंड चांस परीक्षा में या द्वितीय अवसर परीक्षा में बैठ सकते हैं और अपना अंक में सुधार कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा और 10वीं के 12वीं में क्या क्या परिवर्तन आएगा, इसे आइए ऐसे समझते हैं। पहले क्या होता था, वार्षिक परीक्षा के बाद पूरक परीक्षा की घोषणा की जाती थी। अब पूरक परीक्षा के स्थान पर क्या किया जाएगा, इसे द्वितीय अवसर परीक्षा या सेकेंड चांस एग्ज़ाम के नाम से जाना जाएगा। पूरक परीक्षा के स्थान पर द्वितीय अवसर परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साल में दो बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। कैसे, साल में दो बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली बार जब परीक्षा होगी मार्च अप्रैल में, उसे प्रथम मुख्य परीक्षा कहा जाएगा और सेकेंड टाइम जब भी परीक्षा लिया जाएगा उसे द्वितीय अवसर परीक्षा कहा जाएगा। एक सत्र में दो परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी। इसके हिसाब से जिन बच्चों को प्रथम मुख्य परीक्षा में पूरक घोषित किया गया, उन सभी विषयों में बच्चों को द्वितीय अवसर के परीक्षा में उन सभी विषयों का क्या करना पड़ेगा, उनको ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। उन सभी विषयों का जो प्रथम मुख्य परीक्षा में बच्चे पूरक आए हैं, उन सभी विषयों का बच्चे क्या करेंगे, द्वितीय अवसर परीक्षा में आवेदन फॉर्म उनको जमा करना पड़ेगा, तब उनका जाप क्या होगा, सेकेंड अवसर परीक्षा उनको मौका मिलेगा बैठने के एग्ज़ाम में। और इसी में बच्चे क्या कर सकते हैं, अन्य विषय में भी अंक सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसका ये है, जो विद्यार्थी प्रथम मुख्य परीक्षा में असफल हो गया या फेल हो गया उसका क्या होगा, या बच्चा अनुपस्थित है स्कूल ही नहीं आए, या बच्चा अनुपस्थित है या वह परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हो पाया, वह बच्चा परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हो पाया तो क्या होगा उसका, तो उनको मौका मिलेगा दूसरी मुख्य परीक्षा में आवेदन भरने का। जो बच्चे प्रथम मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं वे द्वितीय अवसर परीक्षा में केवल अनुत्तीर्ण विषय पर ही आवेदन करेंगे, या उनकी मर्जी चाहे तो सभी विषय पर वे आवेदन कर सकते हैं ताकि उनका अंक सुधार हो सके। ये विद्यार्थियों के लिए छूट दी गई है। इसी के अनुसार वे अपने अंक सुधार के लिए दूसरे विषयों के भी आवेदन भर सकते हैं, या इसके लिए विद्यार्थी को छूट मिली है कि अपने अंक सुधार के लिए भी आवेदन दूसरे विषय का भर सकते हैं।
जिस विषय में फेल हुए हैं उसका तो भरेंगे ही, वे चाहे तो अन्य विषयों के भी आवेदन वो भर सकते हैं। इसी में अगला पॉइंट जुड़ता है कि जो विद्यार्थी प्रथम मुख्य परीक्षा में पास हो गया है, उत्तीर्ण हो गया है, किंतु वह अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, उसको अंक और ज़्यादा चाहिए, उसको लगता है कि उसका नंबर कम आया है, उसको और ज़्यादा नंबर चाहिए, तो क्या करेगा बच्चा? तो बच्चा ऐसे में क्या कर सकता है, सेकेंड चांस वाले एग्ज़ाम में बैठ सकता है, ताकि उसका क्या हो, पूरी तरह से अंकों में सुधार हो जाए, ताकि बच्चा संतुष्ट हो जाए। तो इसके लिए बच्चों को द्वितीय अवसर परीक्षा होगी, उसमें बच्चों को क्या करना पड़ेगा, उसमें आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी बच्चा द्वितीय अवसर परीक्षा में बैठ के अपने अंकों में सुधार कर सकता है। इसमें एक बात और आता है, यदि बच्चा सेकेंड चांस अपने अंकों में सुधार हेतु परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भर दिया है, बच्चा परीक्षा में बैठा है, रिजल्ट आने के बाद बच्चे के अंकों में कोई सुधार नहीं हो पाया, तो क्या होगा? ये बड़ा समस्या है। अगर बच्चा सेकेंड चांस में सुधार के लिए बैठा है और बच्चे का अंक नहीं बढ़ता, बच्चे का अंक सुधार नहीं होता, तो क्या होगा? उस स्थिति में बच्चे का जो प्रथम मुख्य परीक्षा का अंक था उसी को ही मान्य किया जाएगा। तो उस स्थिति में बच्चे का जो प्रथम मुख्य परीक्षा का अंक था उसी को ही मान्य किया जाएगा, जिसके लिए उसे नए अंक सूची नहीं प्रदान किए जाएंगे। अगर अंकों में परिवर्तन होता तो अंक सूची उसे नया प्रदान किया जाता, चूँकि उसका अंक परिवर्तन नहीं हुआ है, प्रथम मुख्य परीक्षा का जो अंक था वो ज़्यादा है, द्वितीय मुख्य परीक्षा का अंक कम है, तो उसे द्वितीय मुख्य परीक्षा में सुधार करके कम अंक वाली सूची नहीं देना है, उसे वही अंक सूची मान्य होगी जिसमें वो पहले ज़्यादा पाया था। तो उस स्थिति में बच्चे को प्रथम मुख्य परीक्षा वाले अंक सूची ही मान्य की जाएगी, तो उस स्थिति में बच्चे को प्रथम अवसर परीक्षा वाली अंक सूची ही मान्य होगी, द्वितीय अवसर में जो बच्चे का अंक कम आया उसे नहीं माना जाएगा, प्रथम अवसर परीक्षा वाला अंक सूची ही माना जाएगा। एक और पॉइंट आता है, जो बच्चे द्वितीय अवसर परीक्षा में भी कुछ विषयों में असफल हो गए, पास नहीं हो पाए, फेल हो गए, उनका क्या होगा? तो उनको पूर्ववत नियम रहेगा जो पहले था, तृतीय अवसर, चतुर्थ अवसर, उनको तीसरा अवसर भी प्रदान किया जाएगा, उन्हीं विषयों में अपीयर होंगे या शामिल होंगे जिन विषयों में बच्चे असफल हुए हैं, या जिन विषयों में बच्चा असफल हुआ है उसी विषय में बच्चा शामिल हो सकता है, या बच्चा चाहे तो पूरे विषय में भी दिला सकता है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा चाहे तो पूरा सुधार कर सकता है, या जिस विषय में बच्चा असफल है उसमें अपना आवेदन फॉर्म भर के एग्जाम में बैठ सकता है। तो तृतीय अवसर, चतुर्थ अवसर ये बच्चों को मिलेगा। तो ये था CG बोर्ड से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट, तो कि ये सभी विद्यार्थियों के लिए संजीवनी जैसा है, वरदान जैसा है, सभी विद्यार्थियों को दूसरा चांस, तीसरा चांस, चौथा चांस मिलेगा, जिससे बच्चे क्या हों, सफल हो जाएं। शासन की मंशा है कि कोई बच्चा असफल ना रहे, ये शासन की अच्छी नीति है, शासन की अच्छी मंशा है कि सभी विद्यार्थी पढ़ लिख जाएं, मिनिमम क्राइटेरिया जो है स्कूल लेवल को पूरा कर जाएं बच्चे, और बच्चे अपने पैरों में खड़े हों, सफल हों बच्चे। तो ये शासन की नीति का मैं समर्थन करता हूँ और बहुत बहुत शासन को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को शिक्षा हेतु इतना प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे और इस विषय के बारे में उनको भी जानकारी अधिक से अधिक पहुँचे। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलता हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।